इतनी देर हो चुकी है, नंदे तक फोन क्यों नहीं कर रहा? मैंने कहा था उसे। इंस्पेक्टर, आपको जैसे कोई खबर मिले प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जी हाँ, हाँ जी, मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। थैंक्स फॉर द कंसर्न इंस्पेक्टर, लेकिन आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि राधा के बारे में कुछ पता चल सके। ओके इंस्पेक्टर, थैंक यू। तारा बुआ जी, आप लोग यहाँ? वो हम लोग घर पे मॉम के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, तो हमने सोचा कि हम मॉम को मिलाते हैं। रवि, तेरे से हमें ये तो पता चला कि भाभी को होश आया है, लेकिन अब भाभी की तबीयत कैसी है? वो जी, मॉम तो अब ठीक है, लेकिन हमें अपने जज्बातों को अपने दुख के ऊपर हावी नहीं होने देना है। हालांकि मॉम की तबीयत अब ठीक है, लेकिन राधा के गम को वो भुला नहीं पाई, इसलिए हमें ख्याल रखना होगा। रवि, राधा के दुख को तो नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन हमें किसी भी तरह भाभी को यह एहसास दिलाना होगा कि हम सब उनके साथ हैं, और किसी भी तरह भाभी को यह एहसास दिलाना होगा कि हम राधा को ढूंढ कर निकालेंगे। ठीक है? हाँ बुआ जी, आइए, तब तक मैम से मिलते हैं। जब राधा को और कोई रास्ता नहीं सूझा तो
दिन चाहिए। लेकिन भाभी हमारी राधा कमजोर नहीं है, वो जहां भी है सही सलामत है। आपसे बताइए भाभी, जिस राधा ने हम सबको जीने की हिम्मत दी है वो भला आपकी जिंदगी कैसे खत्म हुई? नहीं करेगी भाभी, वो ठीक है, वो आएगी, वो आएगी भाभी, वो जरूर आएगी। सच राधा वापस जरूर आएगी, हम उसे वापस लेकर आएंगे। हाँ मम्मा, भाभी घर जरूर लौट कर आएगी, आप चिंता मत करो, वो जरूर आएंगी। शर्मिंदा भाई, किस सोच में खोए हुए हो? नहीं कोई सोच नहीं। कोई सोच नहीं, इधर I'm sure तुम इस फाइल के बारे में सोच रहे हो जिसे तुमने अब तक पढ़ा तक नहीं होगा। राइट बंदो टेल मी। नहीं शर्मिंदा। यार शौर्य, वो हॉस्पिटल वाली लड़की, क्या नाम दिया था तुमने उसका? याद नहीं आ रहा यार, क्या नाम था उसका, क्या नाम दिया था तुमने उसका? वो अनामिका। हाँ अनामिका, अनामिका जिसका कोई नाम नहीं, अनामिका। वाह लवली नेम बंधु। मालूम है हॉस्पिटल से फोन आया था, उसका अब तक होश नहीं आया बेचारी, घर से कोई मिलने भी नहीं आया, उसको होश नहीं आया, तुम भी उसे ऐसे छोड़कर चले आए। सो सैड बंदू, एक बात समझाओ यार, समझ नहीं आ रही मुझे, ये भी कोई बचाने का तरीका हो? मरने जा रही थी, मरने दे तो उसे, फिर उसे उठा के लेके आए और उसे जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तुम ही बताओ। शामिता जीने के लिए जिंदा रहना जरूरी है और वो जिंदा है। चैनल वाले इस रिपोर्ट को इतनी बार दिखा चुके हैं कि मुझे तो पूरा एपिसोड ही याद हो गया। एक घंटा होगा लेकिन मैं सुना ना टीवी के सामने से हिल भी नहीं रही। टीवी देखते देखते मेरे सर में दर्द हो गया, सर में दर्द। जाकर मेरे कमरे से दर्द की दवा ले आओ, अचानक मेरे सर में दर्द उठाया। प्लीज प्लीज गो फास्ट, अभी लेकर आई सर। बेचारे सुनैना, मैं फिक्र है सुनैना, ये नहीं जानती कि इसे भगाने के लिए मैंने सर दर्द का नाटक किया। अब आराम से बैठकर नामदेव से बात करूंगा।
करने के लिए मैंने सरदर्द का नाटक किया, नामदेव मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैंने इसलिए उसे मोबाइल लेकर दिया था कि मेरा फोन रिसीव ना करे। सो रहा होगा कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ। अगर नामदेव ने मेरे साथ गद्दारी करने के बारे में अपने सपने में भी सोचा ना, तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए सुना दूंगा। विशाल को भी जानता नहीं वो। तुमने तो क्या गवाया होगा राधा को, लेकिन उसके साथ साथ तुमने मुझे बहुत बड़ा दुख दिया। मेरी दोस्त को मुझसे छीन लिया तुमने, मेरी दोस्त को। ये तुमने ठीक नहीं किया अजय, तुमने ठीक नहीं किया। राधा का प्यार ही उसकी जिंदगी को खत्म करने की वजह बन गया। तुम जानते नहीं हो अजय कि राधा की जिंदगी के रास्ते कितने मुश्किल थे। उसके लिए ये जीवन बिल्कुल आसान नहीं, लेकिन उसने सब कुछ भुलाकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अपने पापा के वादे को उसने टूटने नहीं दिया। लेकिन देखो अपने त्याग की कितनी बड़ी सजा मिली है उसे, जिसका हाथ थामकर उसने अपनी जिंदगी का सफर तय किया, उसी ने एक पल में उसको बेसहारा कर दिया। सिर्फ एक शक की वजह से, जो बिल्कुल बेबुनियाद था। हाँ, तुम्हारी दोस्त का सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं संजना, सच में। और ये गुनाह खुद मैंने अपने हिस्से में लिखवाया। दादा हर बार अपने प्यार की सच्चाई को साबित करते रही और मैं उसकी असलियत को दुबराता रहा। कौन सी असलियत, कौन सी सच्चाई का सबूत चाहिए था तुम्हें? यही कि राधा सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती है। क्यों अजय, तुम्हारा शक तुम्हारे यकीन पर कैसे हावी हो गया? शादी की थी ना तुमने उससे, अग्नि के सामने सात फेरे लिए थे ना तुमने। अजय तुम कैसे उन वचनों को भूल सकती हो जो तुमने अग्नि को साक्षी मांगकर लिए थे? बोला कैसे उन वचनों को भूल सकते हो तुम? औरत अपना सब कुछ भुलाकर अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर क्या सिर्फ इसलिए आती है कि एक दिन उसे अपनी सच्चाई का सबूत देना पड़े? उसका पति उसकी दुनिया बन जाता, अपने सपनों का संसार वो अपने हाथों से बनाती। उसके प्यार के बीच तो कभी यह सवाल नहीं उठता कि उसके पति का भी कोई अतीत हो सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रिश्ता प्यार और विश्वास की नींव पर टिका है। क्यों अजय, हर युग में एक औरत को ही अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ता है? क्यों उसे हर कदम पे यह साबित करना पड़ता है कि वो अच्छी है, अच्छी बीवी है, अच्छी बहू है? और अंत में उसे क्या मिलता है? झूठ। उसके प्यार और विश्वास का कोई मायने नहीं रह जाता, कोई मायने। ये तो मैं जानती थी अजय कि एक औरत को हर कदम पर इम्तिहान का सामना करना पड़ता, लेकिन मेरी राधा को भी इस मोड़ से गुजरना पड़ेगा, ये नहीं जानती थी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अजय, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम नहीं जानती संजना, तुम नहीं जानती कि अपनी जिंदगी में शर्मिंदगी मैंने खुद लिखी है। तुम नहीं जानती कि राधा के चले जाने के बाद, उसके चले जाने के बाद उसका सामना करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया। मैं उससे बहुत दूर जाना चाहता हूं संजना, लेकिन जानता हूं
चाहता हूं कि यह परेशानी का हल नहीं हो। अपने प्यार को तो दबा ही चुका हूं, लेकिन अपने परिवार से उसकी पहचान भी छीन ली, एक दोस्त से उसकी दोस्त को छीन लिया है, और अब पश्चाताप की इस आग में हमेशा चलता रहूंगा। यही तो जिंदगी का दुख है कि गुनाह करने के बाद इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। सच तो ये है कि इंसान अपनों की कद्र करना जानता ही नहीं, इसलिए तो अक्सर उन्हें दुख पहुंचाने की वजह वो खुद बन जाता है। तुमने राधा को बहुत दुख पहुंचाया है आज, जो गुनाह उसने किया ही नहीं, तुमने उसका इल्जाम लगाया मेरी दोस्त पर। भले ही अपनी सच्चाई का सबूत देने में वो नाकामयाब रही, लेकिन हाँ, अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लेकर उसने ये साबित कर दिया है कि वो सही थी और तुम गलत। एक बेकसूर को इतनी बड़ी सजा देने की वजह सिर्फ तुम हो अजय, सिर्फ तुम। सजा तो तुम्हें मिलेगी, मेरी राधा के आंसुओं का एक एक हिस्सा तुम्हें उस ऊपर वाले की अदालत में चुकाना पड़ेगा। अपनी सच्चाई को साबित करने का जब कोई रास्ता नजर ना आए, तो अपने आत्मसम्मान की लाज रखने के सीता मैया को भी अपनी जिंदगी का त्याग दे दो। लेकिन अग्नि परीक्षा के बाद राम कभी सीता को पा ना सके, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी राधा को खोने के बाद उसे कभी नहीं पा सकोगे। कभी जिंदगी भर इसी अफसोस में जियोगे कि तुमने उस प्यार को खो दिया जिससे। Oh, 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 o